आईपीएल में हर साल दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मैदान पर खेलने के लिए उतरते हैं। जब लीग में इतने बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हैं तो रिकॉर्ड्स का बनना और टूटना आम बात है। आईपीएल में कई बार कुछ खास रिकॉर्ड भी बनते हैं, हम सभी ने देखे हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे 6 रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे जिन्हें आज तक कोई भी नहीं तोड़ सका है और ना ही कोई इन रिकॉर्ड्स के आसपास पहुंच पाया है। तो वीडियो अगर पसंद आएगी तो 4 लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आईपीएल में अब तक सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है। गेल ने साल 2013 में आरसीबी के लिए खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ ये कमाल किया था। गेल ने इस मैच में 30 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था। दूसरा रिकॉर्ड है मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए अल्जारी जोसफ ने सनराइज हैदराबाद के लिए धमाल मचाया था। उन्होंने सिर्फ 3 ओवर 4 बॉल में ही 12 रन देकर 6 विकेट लिए थे। अल्जारी जोसफ के नाम अपने स्पेल में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है। तीसरा रिकॉर्ड है आईपीएल में जब भी छक्के की बात आती है तो सबसे आगे क्रिस गेल के नाम ही आता है। क्रिस गेल ने साल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 17 छक्के लगाए थे जो अभी तक एक पारी में सबसे अधिक छक्का लगाए हैं। चौथा रिकॉर्ड है विराट कोहली ने हर फॉर्मेट में रन बनाए हैं। आईपीएल में भी विराट कोहली के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। साल 2016 में आईपीएल में उनके लिए सबसे शानदार रहा था। 16 मैच में उन्होंने 973 रन बनाए थे जो एक सीजन में किसी भी बल्लेबाज की तरफ से बनाए गए सबसे अधिक रन है। पांचवा रिकॉर्ड है आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम है। केएल राहुल ने साल 2018 में 14 बॉल पर अर्धशतक लगाने का कारनामा कर चुके हैं। राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ साल 2018 में 14 बॉल पर 51 रनों की पारी खेली थी। और छठा रिकॉर्ड है हर एक गेंदबाज के लिए हैट्रिक लेना एक बड़ा सपना होता है। लगातार 3 गेंद पर 3 विकेट लेना काफी मुश्किल काम होता है, लेकिन अमित मिश्रा ने आईपीएल इतिहास में 3 हैट्रिक ली है। अमित मिश्रा आईपीएल में सबसे ज्यादा हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज भी है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर दबा के कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।